Hello friends, my name is Ashish, back with a new video, and today's topic is Karl Pearson's correlation coefficient. ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें x दिया हुआ है, y दिया हुआ है. ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको सात कॉलम्स बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये 7 कॉलम्स हमने बना लिए. उसके बाद फर्स्ट कॉलम में आएगा x, ये सारे x की वैल्यूज. फिर उसके बाद हमको निकालना है dx, मतलब x माइनस x बार. फिर उसके बाद जो dx आएगा उसका dx स्क्वायर निकालना है. फिर ये लिखना है y. फिर उसके बाद dy निकालना है. dy के लिए y माइनस y बार आएगा. उसके बाद dy का स्क्वायर करना है. उसके बाद लास्ट में dx इंटू dy करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ x की वैल्यूज लिख लेंगे. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. क्वेश्चन बहुत ही इजी है, वीडियो को लास्ट तक देखो, 100% क्वेश्चन समझ में आएगा. अब dx निकालना है. dx निकालने के लिए x माइनस x बार, तो x तो हमारे पास है, अब हमको x बार निकालना है. तो x बार का फॉर्मूला होता है सबमिशन x अपॉन n, मतलब इसका टोटल होगा 56 अपॉन में, ये कितने टाइम से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 टाइम से, तो 56 अपॉन 7, तो इसका आंसर आएगा 8. तो हमारा x बार हो गया 8. तो x माइनस x बार करना है, तो ये हमारी x की वैल्यू, इसमें से 8 माइनस करते जाना सब में से. तो 11 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 3, 10 में से 2, 9 में से 1, 8 में से 8 जाएगा 0, 7 में से 8 माइनस 1, और 6 में से 8 जाएगा -2, 5 में से 8 जाएगा -3. इसके बाद dx स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 0 का 0, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा. -2 × -2 = 4, -3 × -3 = 9. इसका टोटल 0 आएगा और इसका टोटल 28 आएगा. सबमिशन dx स्क्वायर 28, इसका टोटल 0 ही आएगा. उसके बाद y, तो y की सारी वैल्यूज लिखेंगे, 20, 18, 12, 8, 10, 5, 4. अब y बार निकालना है, जैसे हमने x बार निकाला था वैसे y बार निकालेंगे. तो y बार के लिए भी वही फॉर्मूला है, सबमिशन x अपॉन n. तो इसका टोटल आएगा 77 = 77/7, तो इसका आंसर आ जाएगा 11. तो अब y में से y बार माइनस करना है, तो y बार की वैल्यू है 11. तो ये y में से हमको सारे y बार 11 माइनस करना है. तो 20 में से 11 माइनस करेंगे तो आएगा 9, 18 में से करेंगे तो 7, 12 में से करेंगे तो 1, इसका -3, -1, -6, -7. इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल भी 0 आएगा. अब इनका स्क्वायर करेंगे, 9, 9 = 81, 7, 7 = 49, 1, 1 = 1, 3, 3 = 9, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, -1, 6, 6 = 36, 7, 7 = 49. अब लास्ट कॉलम में dx into dy करना है, तो 9, 3 = 27, 2, 7 = 14, 1, 1 = 1, 0 × -3 = 0 ही होगा, 1, 1 = 1 हो जाएगा, -- प्लस हो जाएगा, 2, 6 = 12 हो जाएगा प्लस का, और 3, 7 = 21 हो जाएगा प्लस का. सबमिशन डी वाई स्क्वायर का टोटल हो जाएगा 226, और इसका टोटल हो जाएगा 76. अब लास्ट में हमको सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ये फॉर्मूला, इसको आर से डिनोट करते हैं. फॉर्मूला है सबमिशन dx into dy अपॉन अंडर रूट में सबमिशन dx स्क्वायर into सबमिशन dy स्क्वायर. तो हमारा dx into dy कितना आया, 76. तो यहाँ लिखेंगे 76 अपॉन में अंडर रूट, सबमिशन dx स्क्वायर की वैल्यू है 28,
इंटू सबमिशन डी वाई स्क्वायर की वैल्यू 226, 76 हमारा एज इट इज रहेगा। उसके बाद 28 इंटू 226, तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 6328। इसको और सॉल्व करेंगे तो 76 अपॉन 79.55 आएगा और फाइनल इसका आंसर आएगा 0.96। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी क्वेश्चन था, हमको बस ये एक्स बार और एक्स वाई बार निकालना है, उसके बाद हमें सिर्फ एक ये फॉर्मूला याद करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी एक्स की हमें वैल्यूज़ दी हैं और वाई की वैल्यूज़ दी है। तो पहले एक्स की वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 45, 70, 65, 30, 90, 40, 50, 75, 85 और 60। तो x बार निकालने के लिए पहले इसका टोटल करना पड़ेगा। तो इसका टोटल आएगा 610। और ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो x बार का फॉर्मूला हमारा होता है सबमिशन x अपॉन n। तो सबमिशन x है ये 610 अपॉन में आएगा 10, तो इसका आंसर आएगा 61। x बार हमारा है 61। अब dx निकालते हैं। तो dx निकालने के लिए x में से x बार माइनस करना पड़ेगा। तो ये सारी वैल्यूज़ में से 61 सब में से माइनस होगा। dx निकालना है तो 45 में से 61 माइनस होगा, तो ये आएगा माइनस का 16, ये आएगा 9, ये आएगा 4, ये आएगा माइनस का 31, ये आएगा 29, ये माइनस का 21, माइनस का 11, 14, 24, माइनस 1, इसका टोटल 0 आएगा। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करना है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, 16 माइनस माइनस प्लस होता है। इसके बाद 9, 9 जा 81, 4, 4 जा 16, 31 का स्क्वायर होता है 961, 29 का 841, 21 का 441, 11 का 121, 14 का 196 और 24 का 576, 1 का स्क्वायर 1, इसका टोटल आएगा 3490। अब ऐसी वाई की वैल्यू निकालनी है, सॉरी वाई की वैल्यू लिखनी है, 35, 90, 70, 40, 90, 40, 60, 80, 80, 80, 50, तो इसका टोटल आ जाएगा 640। अब डी वाई निकालना है, तो वाई माइनस वाई बार, तो वाई बार की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। वाई बार का फॉर्मूला है सबमिशन वाई अपॉन एन। तो सबमिशन वाई है 640 डिवाइड बाय 10, ये नंबर्स 10 है, इसका आएगा 64। तो हमारे y बार की वैल्यू आ गई। तो इनमें से सारी वैल्यूज में से हम y बार माइनस करते जाएंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, -29, 26, 6, -24, 31, -24, 4, 16, 16, -14। इसका टोटल करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब इनका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर 29 का स्क्वायर होता है 841, इसका होता है 676, इसका 36, 576, 961, 576, 961, सॉरी 16 आएगा 16। टू फिफ्टी सिक्स और 14 का स्क्वायर 196, इसका टोटल आएगा 4390। फिर उसके बाद लास्ट में dx इंटू dy करना है, तो ये सारी वैल्यूज़ का इन सब से मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका आंसर यहाँ लिखना है। तो
फर्स्ट वाले का आएगा 464 मतलब -16 इंटू -29। तो ये सब वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन करके हमको याद लिखनी है। तो पहले वाले का आएगा 464, दूसरे वाले का आएगा 234, 24, 744, 899, 504, 44, 224, 384, 14। इसका टोटल आएगा 3535। अब लास्ट में हमको सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है कार्ल पियर्सन का, तो इसको आर से डिनोट करते हैं। इस फॉर्मूला है सबमिशन डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट में सबमिशन डी एक्स स्क्वायर इंटू सबमिशन डी वाई स्क्वायर। तो हमारे डी एक्स और डी वाई की वैल्यू है 3535, इसको एज इट इज लिखेंगे 3535 अपॉन अंडर रूट सबमिशन डी एक्स स्क्वायर। सबमिशन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 3490 इंटू सबमिशन डी वाई स्क्वायर की वैल्यू है 4390। 3535 एज इट इज आएगा, नीचे अंडर रूट में आएगा 1532 1100। इसको 3535 एज इट इज आएगा, इसके बाद नीचे आएगा अंडर रूट हटेगा तो 3914.05। इसका फाइनल आंसर आएगा 0.903। तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।